हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोदक, जिसके लिए मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है, 1 नारियल खिसके लिया है, 1 कटोरी गुड़, 1 चम्मच दूध, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच खसखस, आधा चम्मच घी, आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक लिया है। चलिए, सब में पहले हम एक पैन में 2 कटोरी पानी डालेंगे। हमने 2 कटोरी आटा लिया है, इसके लिए 2 कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, शक्कर, घी और दूध डालेंगे। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे। देखिए, पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर साइड में रख देंगे। देखिए, हमने आटा साइड में रख दिया है। देखिए, हमारा आटा सेट होने तक हम पहले मोदक की फिलिंग बना लेंगे। एक पैन में घी डालेंगे, नारियल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे, इलायची पाउडर, खसखस डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से भून लेंगे। देखिए, मोदक की फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। चलिए, अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेते हैं। ये थोड़ा सा गर्म है, तब तक ही इसे गूंद लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से गूंद चुका है। चलिए, अब हम मोदक बना लेते हैं। थोड़ा सा घी हम अपने हाथों पे लगा लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे अच्छे से गोल करेंगे। हम इसे साँचे से नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। अब हम इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे, एक कटोरी टाइप बनाएंगे। आपको ये जितना पतला चाहिए आप उतना ले लीजिए। अब हम इसमें मोदक की फिलिंग डाल देंगे। अब हम इसे धीरे धीरे पैक करेंगे। देखिए, इसी तरह हम सभी मोदक बना देंगे। हम सांचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हाथ से ही बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। देखिए, हमने सभी मोदक बना लिए हैं। चलिए, अब हम एक कढ़ाई में पानी डालेंगे, लगभग 1 ग्लास। हमने एक छन्नी ली है, इसके ऊपर एक कपड़ा रख देंगे। अब हम इसमें सभी मोदकों को डाल देंगे। देखिए, पानी गर्म हो चुका है। अब हम ये छन्नी इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट रख देंगे, तब तक मोदक तैयार हो जाएंगे। देखिए, मोदक बन चुके हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।